फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबीज, इफ दे फॉर्म एन एबी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आप लोगों को बता दूं कि फिफ्थ चैप्टर को करने से पहले मैंने फिफ्थ चैप्टर के एक इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड की थी, आप सभी उसको जरूर देख लें। ये आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अलग से चैप्टर नंबर फिफ्थ की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ताकि आपको इजीली मिल जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट सीरीज क्या है। फर्स्ट सीरीज है हमारी 2, 4, 8 और 16। मुझे चेक करना है कि ये जो सीरीज मेरे को गिवन है वो एपी में है या नहीं है, और यदि है तो क्या कीजिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। आप कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर दीजिए, और डी फाइंड करने के बाद में उस सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर दीजिए, राइट 3 मोर टर्म्स। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 2, 4, 8, 16... सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैं क्या कहूंगी, A1 कहूंगी, इसको A2 कहूंगी, इसको A3 कहूंगी और इसको मैं A4 कहूंगी। तो जरा मैं चेक कर लेती हूँ डिफरेंस A2 और A1 का। कहने का सेंस है मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 बचा। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा A3 - A2, तो A3 की वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू क्या है, 4। क्या आया मेरा, 4। लेकिन हमने तो देखा कि A2 - A1 और A3 - A2 का डिफरेंस ही सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, बट यहाँ डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो मैं लिखूंगी सिंस AK+1 - AK इज नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह क्या सेम नहीं है। यदि हर टर्म पे डिफरेंस सेम हो तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। सो 2, 4, 8, 16... नॉट इन एपी। चलिए इसी का ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा मैं इसे कहूंगी फर्स्ट टर्म, इसे कहूंगी सेकंड टर्म, इसे कहूंगी थर्ड टर्म और इसे मैं कहूंगी क्या, फोर्थ टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे A2 - A1 को। A2 - A1 को जब हम चेक करेंगे, इट मींस हम क्या चेक कर रहे हैं, देखिए A2 तो ये है, ये वाला, तो 5/2 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी क्या, 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया, आ गया 2, 2 कट बाई 2 में दिया 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगी तो आ जाएगा 5, माइनस था मैंने माइनस लगाया, 1 का डिवाइड 2 में करूंगी 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगी 2, 2 जा 4, तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ये तो केवल A2 - A1 था फ्रेंड्स। अब जरा चेक कर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या कह रहा है, तो जरा मैं इसको इरेज कर देती हूँ। A3 - A2, A3 की वैल्यू क्या है आपकी 3, A2 की वैल्यू क्या है आपकी 5/2, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का नीचे 1 मान के 1 और 2 का एलसीएम लिया, आ गया 2, 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 टाइम्स गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 3, 2 जा 6, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 टाइम गया, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 into 5 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया।
आंसर मेरा आ गया 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से a4 - a3 चेक कर लेती हूँ, यानी ये a4 है मेरा 7/2, a3 है मेरा 3 को मैं लिख लूँ 3/1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 2 और 1 का 2 आया, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 7 में किया 7, 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, तो मेरा यहाँ पे भी आंसर आ गया 1/2। इससे ये बात तो क्लियर है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है ना डी, वो क्या है, सबका है फ्रेंड्स 1/2। अब इन्होंने पूछा था कि क्या ये एपी में है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस ak+1 - ak इज सेम एवरीवेयर एवरीवेयर। सो अब डी हर जगह क्या है, सेम है, या कहूं डिफरेंस सेम है, या कहूं डिफरेंस कैसा है, कॉमन है। सो 2, 5/2, 3, 7/2 इज इन एपी। दिस सीरीज क्या है, दिस सीरीज इज इन एपी। अब बात कर लेते हैं, यदि एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए लास्ट टर्म था मेरा a4 जो कि था मेरा 7/2। अब a5 में क्या करूंगी, मैं a5 निकालने के लिए इसमें डिफरेंस ऐड कर दूंगी, तो मैंने क्या किया 7/2 में डिफरेंस यानी d जो कि थे 1/2 उसे ऐड कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया 8/2 या कहूं 4। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे a6 निकालना है। a6 निकालूंगी तो मैं कहूंगी a6 निकालने के लिए a5 में d ऐड कर दूंगी, तो मेरा a5 क्या हो गया 4 और d है मेरा 1/2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, 1 और 2 का एलसीएम लिया 2, 1 का डिवाइड 2 में दिया 2 टाइम गया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8, 2 का डिवाइड 2 में दिया 1 टाइम गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो मेरा आ गया 9/2। ठीक है, तो मेरा एक टर्म तो आ गया इसके बाद का 4, इसके बाद का टर्म हो गया मेरा 9/2, इसके बाद का टर्म और निकाल लेते हैं, नाइन बाई टू क्या है मेरा 6 टर्म। अब मैं निकालूंगी 7th टर्म, तो a6 यानी 6 टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए, यानी 9/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/2, तो 2 1 2, 2 5 10, तो यहां अगला टर्म क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म हो गया आपका 5। उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।